लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दलबदल का सिलसिला लगातार जारी है। अब उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के नेता सचिदानंद पांडे उर्फ सचिन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के स्लोगन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ फोटो भी पोस्ट की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा के अयोध्या लोकसभा सीट पर जिस प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाई गई है वो काफी चौंका देने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या से सचिदानंद पांडे सचिन को लोकसभा का टिकट दिया है। बता दें कि सचिदानंद पांडे ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थामा था। इससे पहले 13 मार्च को सचिदानंद पांडे ने लखनऊ में बसपा का दामन थाम लिया था। इस दौरान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहे। वहीं अगर सचिदानंद पांडे के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उन्होंने अपना राजनीतिक सफर साल 2012 में बतौर भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। इस दौरान वह विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे। बीजेपी की तिरंगा यात्रा और भारत स्वाभिमान यात्रा में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान विदिशा विधानसभा सीट पर भी उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। जानकारी के मुताबिक बसपा ने उन्हें अयोध्या का प्रभारी नियुक्त किया है। फेसबुक पेज पर सचिदानंद ने लिखा है कि प्रभारी 54 लोकसभा क्षेत्र अयोध्या। इन सब के बीच अब बसपा ने सचिदानंद पांडे को फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी बना दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देते हुए पांडे ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मुझे अब पार्टी से घुटन हो रही है, ऐसे में मैं बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। सचिदानंद पांडे ने अपने इस्तीफा में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानकर बाल्यकाल से ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता ग्रहण की और निरंतर एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करता रहा। लेकिन पूर्व की और अब की भाजपा में बहुत कुछ बदल चुका है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बढ़ाने, उन्हें सम्मान देने और आगे बढ़ाने के बजाय पार्टी व्यतीत और धन बल से परिपूर्ण लोगों को ही तवज्जो देती है। बता दें कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया है। फैजाबाद में बसपा द्वारा ब्राह्मण चेहरा उतारने से अब अन्य दलों के लिए लड़ाई और भी ज्यादा कठिन हो चुकी है और मुकाबला इस सीट पर बेहद दिलचस्प है। अब देखना यह होगा क्या मायावती का ये कार्ड काम आ पाएगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।